मैं आपके सिंह भूत है। मैं सीनियर एडवोकेट के मनन जो तीसरी बार चेयरमैन बने हुए हैं बार काउंसिल के, मैं इनसे जानने आया हूँ कि क्या यहाँ तक की सफलता पाने में इन्होंने जो भी अपना सफर तय किया, इसके पीछे कौन सा संघर्ष इनको करना पड़ा है। मैं तीसरी बार काउंसिल दिल्ली का चेयरमैन बना हूँ और मैं 95 में क्वाट हुआ था दिल्ली बार काउंसिल में, और 98 में मैंने इलेक्शन लड़कर, चुनाव लड़कर मैं जीत कर आया था। 98 से लेकर आज तक मैं मेंबर बार काउंसिल हूँ दिल्ली का। उससे पहले मैं 3 बार प्रेसिडेंट रहा हूँ पटियाला हाउस बार का, न्यू दिल्ली का। 3 बार सेक्रेटरी रहा हूँ, एडिशनल सेक्रेटरी रहा हूँ। और मेरा जो लंबा सफ़र जो मैंने तय किया है, इसके पीछे मेरे गुरु वकालत में और मेरे माता पिता सबका, मेरे पास मेरे आशीर्वाद है उनका। और सबसे बड़ा जो मेरे साथ मेरे संघर्ष में खड़े रहे हैं, वो मेरे वकील समुदाय के साथी हैं, लॉयर्स हैं, यंग लॉयर्स, यंग लेडीज, जेंट्स और बड़े बुजुर्गों का मेरे साथ आशीर्वाद रहा है। इस वजह से मैं आज इस मुकाम पे आया हूँ। और अगर मुझे वो ना आशीर्वाद देते, ना यंगस्टर मुझे सहयोग करते, तो मैं शायद आज इस मुकाम को हासिल नहीं कर सकता था। जहाँ तक ये है मन साहब, कि आपके जीवन का सफर तय करने के पीछे जो मैं जानने का कोशिश किया, कि आप गाजियाबाद से शायद वकालत की पढ़ाई करते हुए आपने जो भी अपने इस प्रैक्टिस के जीवन में जो भी संघर्ष किया, कड़ी मेहनत, कोर्ट में जब भी जाओ क्लीन हैंड्स जाओ, कोर्ट को कभी मिसगाइड ना करो, किसी प्रकार की कोर्ट में ऐसी लापरवाही से ना जाओ केस तैयार करके। कोर्ट कोई क्वेश्चन पूछती है तो आपको तैयार होना, केस को हमेशा पढ़कर जाओ। एक बार नहीं, 10-10 बार अपने केस को पढ़ो, क्योंकि मैं फौजदारी की वकालत करता हूँ। जिस समय मेरे पास केस आता है, सबसे पहले FIR होती है। FIR को एक बार नहीं, 10 बार पढ़ो। जितनी बार पढ़ोगे नया कुछ ना कुछ उसमें मिलेगा। फिर वह चार्जशीट दाखिल होती है, उसके बाद चार्जशीट को 10-15 बार पढ़ो, उसके एक एक पेज को पढ़ो, उसमें रिकवरी मेमो को पढ़ो, उसमें डिस्क्लोजर स्टेटमेंट्स को पढ़ो, उसमें गवाहों के बयानात को पढ़ो, उसमें साइट प्लान को देखो बार बार, उसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं। एक बार में कई बार पढ़ने से आपको, जब भी नई बार पढ़ेंगे नई चीज़ मिलेगी। मेहनत और भाग्य, इन दो का अगर समन्वय में है, और मेरे साथ तो है, मेरे पास मेरे को भगवान, मेरे बुजुर्ग, मेरे माँ बाप, मेरा परिवार और मेरे साथी, जो मेरे साथी लॉयर्स हैं, इसी तरह मेरी बार काउंसिल है, 25 मेंबर्स हैं, उनका भी मेरे साथ साथ है। और अकेले बार काउंसिल में 25 का साथ नहीं होता, बल्कि वहाँ का स्टाफ, वहाँ का अगर स्टाफ भी कोई ना कोई किसी प्रकार की गड़बड़ करता हो तो भी आप बार काउंसिल को ठीक से चला नहीं पाएंगे। तो बार काउंसिल या बार एसोसिएशन, उसमें स्टाफ का भी पूरा योगदान रहना चाहिए, जो रहता रहा मेरे साथ। मेरे 25 मेंबर साथ मेरे रहे हमेशा, और मैं 2 बार निर्विरोध बना हूँ। 1 बार कॉन्टेस्ट था, वो भी कॉन्टेस्ट नहीं था, वो भी 25 में से 23 वोट मिले थे। तो इस तरह से मैंने जो भी अपना सफ़र आज तक तय किया है, वो अपने सहयोगियों की सहयोग से किया है। आप प्रभावशाली वकील हैं, ये तो देश के कई स्टेट आपसे भली भांति वाकिफ है। मैं सिर्फ लास्ट में ये जानना चाहता हूँ, साधु यादव हो या स्वर्गीय चंद्रा स्वामी जी हों, अन्य बहुत सारे नाम हैं, आपने जो अपना प्रभाव छोड़ा हो करते हैं, इसमें क्या इस संबंध में आप ये कह पाएंगे कि अगर कोई ऐसा भी केस हो जो निर्धन और सहाय हो, तो ऐसे लोगों के लिए आपके इसमें कौन ऐसी व्यवस्था है जो आपके यहाँ से वो भी निराश न? जब मैं पटियाला हाउस मेनली प्रैक्टिस करता था, अब भी करता हूँ, वो मेरी कर्म भूमि है,
जो मेरे पुराने क्लाइंट हैं मुवक्किल हैं, मैं अगर जैसे आज अब तो मैं जो फीस ले लेते हैं वो मेरी फीस नहीं दे पाएंगे, लेकिन जब भी वो मेरे पास आते हैं तो मैं ये मेरे क्लर्क को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस है जो ये देते हैं रख लेना, इनसे फीस तय मत करो। और मैं आज भी कई ऐसे केसेस हैं जो प्रो बोनो करता हूँ, मुफ्त करता हूँ। अगर मुझे ये लगता है कि वो जेन्युइनली मेरी फीस नहीं दे पाएंगे और इनके साथ रियली ये विक्टिम है, इनके साथ न्याय नहीं हो रहा है, तो उनकी न्याय की लड़ाई में कोर्ट में लड़ने के लिए उनसे पैसे नहीं लेता। आपने अपना कीमती समय दिया उन्होंने साहब, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। कैमरामैन मिथुन के साथ आर के सिंह कपूर के, धन्यवाद। थैंक यू।